हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल स्टडी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 इंग्लिश बुक अ बॉय जज। दिस इज अ स्टोरी ऑफ 3 थीव्स, एन ओल्ड मैन एंड अ बॉय जज। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम 3 थीव्स हु हैड स्टोलन अ पॉट ऑफ गोल्ड इन अ डिस्टेंट टाउन वर रिटर्निंग टू देयर विलेज। एक बार 3 चोर एक गोल्ड से भरा हुआ पॉट चुरा कर किसी दूर के टाउन से चुरा कर वो अपने विलेज की ओर लौट रहे थे। दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रू डार्क। वो एक टाउन से होके निकले, छोटा सा टाउन था, और वहाँ जब वो पहुँचे तब तक अंधेरा हो चुका था। देयर विलेज वॉज लॉन्ग वे ऑफ, उनका विलेज अभी बहुत दूर था। दिस देयर चीफ सेड टू द अदर्स, आई डोंट नो वेदर वी कैन रीच आवर विलेज सेफली विद दिस विद ऑल दिस गोल्ड। उनके चीफ ने बोला, जो वो तीनों थीफ थे उनमें से एक चीफ था, मैन था, उसने बोला कि मुझे डाउट है मैं इस गोल्ड पॉट के साथ विलेज सेफली पहुंच पाऊंगा या नहीं। लेट अस स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन। चलो किसी घर में रुकते हैं। हिज फ्रेंड्स ऑल्सो थॉट दैट दिस वॉज द बेस्ट वे टू डू। उसके फ्रेंड्स ने भी सोचा कि ये सही तरीका है, हमें रुक लेना चाहिए कहीं। दे वेंट इन सर्च ऑफ लॉजिंग फॉर द नाइट एंड एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वूमन। वो रुकने के लिए घर ढूंढने लगे कि कोई घर मिल जाए जहाँ पे हम रुक सकें। वो जाते जाते एक ओल्ड वूमन से मिलते हैं हु एग्रीड टू लेट देम स्टे इन हर हट। वो अपने घर में, अपने हट में रुकने के लिए जगह दे देती है। नाउ नन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियंस विद द पॉट ऑफ गोल्ड। अब उन तीनों थीव्स में से कोई भी एक दूसरे पे बिलीव नहीं कर रहे थे। सभी को लग रहा था कि अगर मैं सो जाऊंगा तो दूसरा इसको लेके भाग जाएगा। सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमन टू कीप। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इस पॉट को उस ओल्ड वुमन को दे देते हैं और सुबह लेके हम लोग चले जाएंगे। They carefully sealed the mouth of the pot with the clay and took it to the old woman and said, उसको बहुत ही carefully इन्होंने seal कर दिया clay से, clay की help से उसका मुँह बंद कर दिया उस pot का, और उसको उस old woman को दिया और बोले, please keep this with you till we ask for it। जब तक हम इसको ना मांगें तो आप किसी को मत देना। डोंट गिव इट टू एनी वन टिल ऑल थ्री ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर। जब तक हम तीनों में से कोई एक भी मिस रहे तो आप मत देना, यानी हम जब तीनों लोग एक साथ आएं तभी इस पॉट को आप देना। द ओल्ड वुमन एग्रीड। ओल्ड वुमन ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है जब आप तीनों आओगे तभी हम देंगे। She asked the men whether they would take it back in the next morning. उस woman ने पूछा कि क्या आप इसे next morning में लोगे। So chief replied, yes we will, हाँ हम morning में लेंगे, but be sure to keep it in very very safe place। लेकिन आप याद रखना इसको बहुत ही safe place में रखना। The three men cooked their own dinner। तीनों थीव्स अपना डिनर बनाते हैं। आफ्टर ईटिंग इट दे सेट अंडर इट, और अंडर टॉकिंग टुगेदर। तीनों डिनर करने के बाद टॉकिंग करने लगते हैं। The youngest of them, who was a clever man,
वांटेड टू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। उन तीनों थीव्स में से जो सबसे यंगेस्ट था, छोटा था, वो बहुत ही क्लेवर था। वो उस गोल्ड पॉट को लेना चाहता था। ही वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान। वो प्लान कर रहा था कि कैसे इस पॉट को लिया जाए। जस्ट देन अ वुमन केम सेलिंग कर्ड्स। तभी एक वुमन कर्ड बेचते हुए आती है। एंड द यंग थीफ सेड, और उस यंग थीफ ने बोला, लुक हियर कम्स अ वुमन सेलिंग कर्ड्स। देखो वो वुमन कर्ड बेचते हुए आ रही है। लेट अस बाय सम, चलो कुछ थोड़ा सा कर्ड ले लेते हैं। द चीफ सेड ऑल राइट, चीफ बोलता है ठीक है ले लेते हैं। वी विल बाय सम, चलो कुछ ले लेते हैं। गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमन, जाओ उस वुमन से एक पॉट लेके आओ जिसमें कि हम कर्ड ले सकें। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी दैट यंग मैन वॉन्टेड। बस इसी तरह की अपॉर्चुनिटी वो यंग मैन तलाश रहा था। ही वेंट टू द ओल्ड वुमन एंड सेड, वो ओल्ड वुमन के पास जाके बोलता है, लेट अस हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप, मुझे वो पॉट दो जो हमने दिया था। द वुमन सेड, योर चीफ हैज आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर टुगेदर। तुम्हारे चीफ ने बोला है कि जब तक हम तीनों साथ में ना मांगें तब तक आप उस पॉट को मत देना। द यंग मैन सेड, बट अवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंट मी, लेकिन हमारे चीफ ने खुद ही सेंड किया है, मुझे भेजा है पॉट लेने के लिए। द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट। ओल्ड वुमन इतना ज़्यादा बिजी थी अपने वर्क में कि वो बाहर नहीं जा पाई पूछने के लिए। एंड सी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस, और वो घर के अंदर से ही जोर से पूछती है, वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन, क्या मैं इस पॉट को यंग मैन को दे दूँ। चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट सी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड। चीफ ये नहीं समझ पाया कि वो ओल्ड वुमन उस गोल्ड पॉट की बात कर रही है। उस चीफ को लगा कि शायद कर्ड लेने के लिए हमने जो पॉट मंगाया है, कोई बर्तन मंगाया है, शायद उस पॉट की बात कर रही है। इसलिए चीफ बोलता है, गिव इट टू हिम, हाँ उसे दे दो। ही शाउटेड बैक टू हर, वो भी वहीं से जोर से बोल के बोलता है कि हाँ उसे दे दो। सो द ओल्ड वुमन गेव द पॉट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन, तब वो ओल्ड वुमन उस यंग मैन को वो गोल्ड पॉट दे देती है। ही क्विकली लेफ्ट द प्लेस विद इट, और यंग मैन जैसे ही वो गोल्ड पॉट पा जाता है वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम, चीफ बहुत देर तक वेट करता है। एंड वेंट इनसाइड, और फिर अंदर जाता है। ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता चल जाता है। ही अक्यूज द वुमन ऑफ बीइंग केयरलेस, वो उस वुमन को केयरलेस बोलता है, दैट यू आर केयरलेस, एंड आस्क्ड हर टू पे हिम फॉर द लास्ट गोल्ड, और बोलता है कि हमारा गोल्ड जो खो गया है तुम्हारी वजह से, वो गोल्ड हमें तुम ला के दो। द ओल्ड वुमन वॉज टेकन अबैक, ओल्ड वुमन वॉज सरप्राइज्ड, उसको लगता है कि अब मैं गोल्ड कहाँ से लाऊँ। शी हैड नॉट नोन दैट देयर वॉज गोल्ड इन द सील्ड पॉट, उसको पता भी नहीं था कि उस सील्ड पॉट में क्या था। शी डिड नॉट नो वॉट टू डू, उसको पता नहीं रहता कि क्या करें। शी फेल ऑन हर नीज एंड बेग्ड द चीफ टू फॉरगिव हर, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और उस चीफ से बेग करती है, प्रार्थना करती है कि मुझे माफ़ कर दो। बट द चीफ वुड नॉट लीव हर, लेकिन उस चीफ ने नहीं माना। इन डिस्पेयर शी अप्रोच द किंग, जब लगा कि अब ये लोग नहीं मानेंगे तो वो किंग के पास जाती है। एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी, और पूरी स्टोरी उनसे बताती है। एंड बेग्ड हिम टू सेव हर, उनसे विनती करती है कि आप हमारी लाइफ को बचाओ। द किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल्ड रमन्ना, किंग एक लड़के को भेजता है जिसका नाम था रमन्ना।
रमन्ना वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड सॉरी रमन्ना को बुलवाता है किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल्ड रमन्ना। रमन्ना को बुलवाता है किंग और बोलता है रमन्ना द ओल्ड वुमन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय। वो पूरी स्टोरी उस बॉय को भी बताती है। रमन्ना आस्क द किंग टू सेंड फॉर द चीफ टू द थीव्स चीफ ऑफ द थीव्स। रमन्ना बोलता है किंग से कि आप उस थीफ के जो थीफ का चीफ है उसको बुलवाइए। व्हेन ही केम रमन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू ट्राई द केस। रमन्ना को इन्फॉर्म किया जाता है व्हेन ही केम रमन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू ट्राई द केस। रमन्ना उसको इन्फॉर्म करता है कि मैं अब इस केस को का ट्रायल स्टार्ट करता हूँ। ही देन फिक्स्ड अ डे फॉर द ट्रायल। उसके बाद वो एक डे फिक्स करता है कि हम किस दिन इसका जजमेंट करेंगे। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल एवरी वन वेटेड ईगरली टू सी हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस। और जिस दिन का डेट दिया जाता है उस दिन बहुत सारे लोग आते हैं ये देखने के लिए कि वो बॉय इसका जजमेंट कैसे करता है। व्हेन रमन्ना केम इनटू द कोर्ट रूम जब रमन्ना कोर्ट रूम में आता है ही फाउंड दैट इट वॉज पैक्ड विद पीपल कि वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ है जो ये देखने के लिए आए थे कि किस तरह का जजमेंट रमन्ना देता है। द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट। रमन्ना उनको बोलता है कि आप थीप्स को बोलता है कि आप अपनी स्टोरी सुनाओ क्या बात थी वो पूरी बात बताओ। दे अक्यूज द ओल्ड वुमन ऑफ केयरलेसनेस। वो सभी ब्लेम करते हैं उस ओल्ड वुमन को कि वो केयरलेस थी। उसको हमने बोला था कि जब हम सभी आएंगे तभी पॉट देना लेकिन उसने हमारे एक ही आदमी को पॉट दे दिया और वो लेके भाग गया। सेड द ओल्ड वुमन लेकिन ओल्ड वुमन कहती है आई एम सॉरी और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी आई एम अ पुअर वुमन। वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ मेरे पास गोल्ड नहीं है और मैंने बाय मिस्टेक दिया है जानबूझकर नहीं दिया है। रमन्ना टर्न टू द थीव एंड सेड। रमन्ना उस थीव की ओर मुड़ता है और बोलता है Did you tell this woman to give back the pot only to all three of you together? क्या आज तुम लोगों ने ये बोला था कि जब हम तीनों आएंगे तभी तुम पॉट को देना। तो चीफ बोलता है हाँ Yes, we did. We told her not to give it to otherwise. कि अगर हम तीनों एक साथ आएँ तभी पॉट देना otherwise तुम किसी एक को पॉट मत देना। दो आएंगे तब भी पॉट मत देना जब तीनों साथ में आएंगे तभी उस गोल्ड पॉट को देना है। In that case, Ramanna said, in that case, bring your other friend and all three of you ask for the pot together. तब रमन्ना बोलता है तो ठीक है वो ओल्ड वुमन तुम्हें पॉट देगी लेकिन जाओ पहले तुम अपने थर्ड पर्सन को बुला के लाओ। जब तीनों लोग एक साथ में रहोगे तभी वो देगी अदरवाइज नहीं देगी। इस समय तुम सिर्फ दो ही लोग हो इसलिए वो पॉट नहीं देगी। जाओ उस थर्ड पर्सन को भी बुला के लाओ। Then the old woman will give it back to you. The two thieves did not know what to do. अब उन दोनों thieves को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें क्योंकि अगर वो third को ढूंढ पाते तब तो उनका gold खुद ही मिल जाता इसलिए उनके अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। They did not know where to find the other thief. दूसरे thief को हम कहाँ ढूंढें उनको पता नहीं था। So they gave up the case. इसलिए वो उस केस को छोड़ देते हैं। The woman was very happy. वो woman खुश हो जाती है। The people in the courtroom went away praising the wisdom of Ramanna. और कोर्ट में जितने लोग रमन्ना के का जजमेंट सुनने के लिए आए थे वो सब उसकी तारीफ करते हुए चले जाते हैं। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द थ्री थीव्स एंड अ बॉय जज। थैंक यू।